चीन अपने खोखले अकड़ की वजह से लोगों को अंधेरे में रहने पर मजबूर कर रहा है। चीन की जिनपिंग सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले के आयात पर बैन लगा दिया है। अब इसे चीन की जिद कहें या फिर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का घमंड, इसकी वजह से देश के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन के फैसले की वजह से देश के कई हिस्से अंधेरे में डूबने को मजबूर हैं। दक्षिणी चीन के कई हिस्से दिसंबर और जनवरी में बिजली के भारी संकट का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि संकट की वजह ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले की सप्लाई को बैन करना है। सरकार ने बिजली बचाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिसमें होर्डिंग से लेकर बिलबोर्ड्स तक की बिजली ऑफ करना शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक स्टोव और ओवेंस को भी बैन कर दिया है। कई ऑफिसेज, सरकारी एजेंसियों, बिजनेस और वित्तीय संस्थानों में कैफेटेरिया में हीटर्स तक पर बैन लगा दिया गया है। साल 2019 में चीन ने बिजली बनाने के लिए जिस कोयले का इस्तेमाल किया, उसमें 60% योगदान ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले का था। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों को कोयले से ही पूरा करता है और 70% ऊर्जा के निर्माण में कोयले का ही प्रयोग होता है। इसकी वजह से ही चीन कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा इमिशन करता है और इसीलिए ही अक्सर वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के निशाने पर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा चीन इंडोनेशिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका से कोयले आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया को बैन करने के बाद चीन अब इन देशों से तेजी से कोयले का आयात कर रहा है। दक्षिणी चीन के छांगे प्रांत में रहने वाले लोगों ने कई ऐसे फोटोग्राफ्स पिछले कुछ दिनों में वीवो पर शेयर की थी, जिसमें ब्लैकआउट की वजह से ऑफिस के बिल्डिंग्स में लिफ्ट तक रुकी पड़ी थी। चाइना इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के सेक्रेटरी जनरल झाओ छेंजियान का दावा है कि हर घर के उपभोग के लिए जरूरी बिजली सप्लाई की जा रही है। वहीं चाइना नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के हांग जिन हुआओ का दावा है कि ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना चीन की 5 साल की ऊर्जा योजना का हिस्सा है। लेकिन इस बीच सर्दियों में भी ब्लैकआउट जारी है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच सालों से चला आ रहा व्यापार रुका क्यों? दरअसल ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच स्थितियां पिछले साल अप्रैल से ही खराब हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वो पहला देश है जिसने मांग की थी कोरोना वायरस चीन से निकलकर दूसरे देशों तक कैसे फैला, इसकी जांच कराई जाए। इसके बाद से ही चीन बिलबिलाया हुआ था। चीनी मीडिया के मुताबिक अधिकारी लगातार देशवासियों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। दिसंबर में हुनान प्रांत के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि बिजली की मांग आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, यानी आने वाले गर्मियों में चीन पूरी तरीके से अंधेरे में रहने पर मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।